आवाज आपकी सुरक्षा हमारी। नमस्कार, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा श्रीवास्तव। प्रयागराज जनपद से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, देखें विस्तार से। नगर निगम जोन नंबर 5 में नियुक्त जेई जोनल अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है जन शिकायतों पर अमल। पिछले 15 दिनों से नैनी गांव के बीच पड़ी खराब रोड लाइटों को कई बार शिकायत के बाद भी नहीं कराया जा सका ठीक। प्रयागराज, जहां एक तरफ योगी सरकार लोगों की सुख सुविधाओं को देखते हुए नगर निगम के दायरे को बढ़ाया गया है, वहीं नगर निगम द्वारा बढ़ाए गए दायरे के बीच में पड़ने वाला नैनी गांव के बीच से छिमवकी स्टेशन जाने वाली रोड पर गांव के बीच लगी रोड लाइटें ज्यादातर खराब पड़ी हुई है, जिससे अंधेरा होने के कारण स्टेशन जाने वाले यात्रियों तथा मोहल्ला निवासियों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी शिकायत जोन नंबर 5 के जोनल अधिकारी तथा नियुक्त जेई से भी कई बार की जा चुकी है। बावजूद इसके भी जोनल अधिकारी तथा जेई द्वारा लोगों की शिकायतों पर अनसुनी करते हुए उक्त स्थान पर खराब पड़ी रोड लाइटों को आज तक ठीक नहीं कराया गया है, जिससे लोगों के अंदर गहरा रोष व्याप्त है। इसके अतिरिक्त उक्त अधिकारियों द्वारा महापौर तथा योगी सरकार को भी बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। यदि जल्द से जल्द उक्त खराब पड़ी रोड लाइटों को ठीक नहीं कराया गया तो नगर निगम जोन नंबर 5 का उक्त गांव के निवासियों द्वारा घेराव किया जा सकता है, जिसकी जिम्मेदारी उक्त जोन में नियुक्त अधिकारियों तथा जेई की होगी। जबकि पत्रकार राजेंद्र पांडेय द्वारा उक्त शिकायत को नगर आयुक्त तक पहुंचाने के लिए कॉल भी किया गया था, लेकिन नगर आयुक्त द्वारा कॉल नहीं रिसीव किया गया। बाद उसके पत्रकार द्वारा महापौर प्रयागराज को कॉल करके मामले को अवगत कराया गया, जिस पर महापौर द्वारा कॉल रिसीव कर मामले को संज्ञान में लिया गया है। देखना अब ये है कि आगे क्या होता है, रोड लाइटें जलती हैं या अंधेरा ही रहेगा। प्रयागराज से राजेंद्र पांडे की रिपोर्ट।